खुली है। अरे आप लोग भी आ गए तो आज हम जाएंगे टॉय स्टार की नगरी में टॉयज लेने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो टॉयज लेने में तो चलते हैं। पीहू टॉयज खरीदने के लिए यू नीड मनी। तो अपना पिगी बैंक किस दिन काम आएगा? ठीक है तुम यहीं रुको, मैं भी पिगी बैंक लेके आई। ठीक है जाओ जल्दी आना। मेरा प्यारा पिगी बैंक। पिगी बैंक पर इसमें तो दूर ताले लगाए। पर चाबी भी तो है। लाओ लाओ। अब खुलेगी खजाने की पिटारी। क्या होगा खजाने की पिटारी? खुल ले ला, तू खोल ले। मैं चुटकियों में खोल के दिखा दूँ। अरे इधर लाओ। ये तो ढेर सारे पैसे हैं। ये वो पैसे तो बहुत है, चलो बराबर बांट लेते हैं। हाँ एक तेरा, ये एक मेरा, ठीक है। दो तेरा, ये एक, ये दो मेरे, ठीक है। तीन तेरा, ये एक दो तीन मेरा, चार मेरा, एक दो तीन चार मेरा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच मेरा, ठीक है। इसका तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ मैं इतनी तेज हूँ। मैडम फिल्म हमने भी बहुत देखी है, अभी ना अच्छे से बांट लीजिए। कैसा लगा मेरा मजाक? बड़ा अच्छा मजाक करते हैं, अभी ना अच्छे से बांट लीजिए। डोरा इसके दो हिस्से नहीं तीन हिस्से करो, क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी में गिफ्ट भी तो देना है ना। सही कहा। चलो तीन हिस्से हो गए, मैं दे देती हूँ। ओके ये वाले तुम्हारे लिए, थैंक यू। ये वाले मम्मी पापा के लिए और ये वाले मेरे लिए। चलो मम्मी से परमिशन लेके टॉय लेने चलते हैं। हाँ चलो। मम्मी हमने पिगी बैंक से पैसे लिए, क्या हम इनके टॉय लेने चले जाएं? ठीक है बच्चों ले लो। चलो चलते हैं। बच्चों क्या हुआ? मैं तो बीच में रख रहा हूँ, देख लो अपने आप। अरे बच्चों रुको, क्या हुआ? इधर आओ सामने। तो इसमें से आधा सामान मिलेगा डोरा को और आधा पीहू को। वाह क्या तरकीब लगाई है। ये डोरा तुम्हारे लिए। वाह ये तो चलती भी है। ये पीहू तुम्हारे लिए। वाह कितना सुंदर वैक्यूम क्लीनर है। ये तुम्हारा। और कपड़े धोने के लिए मुझे मिल गई है वॉशिंग मशीन। और ये तुम्हारा। ये मेरे लिए। वाह मंगल स्वामी अगली बार दोबारा आएंगे। अपने भाई को हमारी तरफ से हेलो कह देना। धन्यवाद धन्यवाद। कितना सुंदर है। अरे बच्चों खेलना बाद में, पहले पढ़ो। ओके ये लो बुक्स। मम्मी हमारा होमवर्क हो गया। अच्छा तो ठीक है अब तुम दोनों खेल लो। ठीक है चलो चलो चलो। मेरे पास है प्रेस जिससे मैं अपनी डॉल की ड्रेस कर दूंगी प्रेस। चलो कर। मैं आपकी ड्रेस को सिल देती हूँ। मेरी डॉल की ड्रेस जलने के कारण फट गई। तू टेंशन मत ले, मेरे पास लाई मशीन है ना, मैं सिल दूंगी। दिखाओ जैसे गए। थैंक यू वेलकम।
दबा दिया मैंने बटन। गल गया पहला कपड़ा। डोरा थैंक यू सो मच मेरे डॉल्स की ड्रेसेस धोने के लिए। यूर वेलकम। पीयू मैं अपने डॉल के बाल बना देती हूँ। ओके। हेयर स्टाइल तो बन गई। अब मैं भी कपड़े पहना देती हूँ। एक बुध पहले तेरे को कपड़े पहनाने चाहिए थे ना, अब तू कपड़े पहनाएगी तो सारे बाल खराब हो जाएंगे। ऐसे ड्रेस पहनाऊंगी कि बालों से टच भी नहीं हो पाएगी। चलो चलो पहना के दिखाओ। अब मेरी डॉल को ड्रेस पहनाने की बारी है, तो मैं पहनाऊंगी दिस वन ड्रेस। हमारी डॉल रेडी हो गई। हाँ। डोरा ये रूम कितना गंदा हो गया है, अब इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ कर देते हैं। ठीक है चलो मैं सामान हटा देती हूं। इस बटन से ऑन किया और तुम क्लीन करो। ओके। अरे बापी हूँ, तुमने तो पूरा रूम साफ कर दिया अपने वैक्यूम क्लीनर से। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, वो भी मिल बांट के। लगता है मम्मी ने हमें साथ खेलते हुए देख लिया। हाँ, पर मम्मी को तो पता ही नहीं है ना कि बैक स्टोरी क्या थी। बैक स्टोरी मतलब पहले की कहानी। चलो आपको दिखाती हूँ। मेरी जो प्रेस है ना, एक मिनट में सारे कपड़े प्रेस कर देगी। मेरी सिलाई मशीन क्या काम है, एक मिनट में लहंगा सिल देगी। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, एक मिनट में सारे कपड़े धो के सुखा के बाहर लगा देगी। मेरी जो वैक्यूम क्लीनर है ना, एक मिनट में सारा रूम मेरा चमका देगी। थोड़ा अपना वैक्यूम क्लीनर से दूर रख। जब तक ये अपनी सिलाई मशीन से सिलाई कर रही है, मैं इसका वैक्यूम से क्लीन कर देती हूँ, मतलब इसका वैक्यूम क्लीनर चला देती हूँ। मेरा सामान बिठाइयो, मैं भी आई। ठीक है जा। बच्चे ने की चोरी और उसे भेजा गया हॉस्टल। हे भगवान, अगर मम्मी ने मुझे हॉस्टल भेज दिया तो एक काम करती हूँ, जहाँ से उठा दे वापस रख देती हूँ। चलो मेरी ड्रेस सिल गई, अब थोड़ी सी सफाई भी कर देती हूँ। हाँ, गंदा गंदा हो गया। अरे मेरा वैक्यूम क्लीनर कहाँ हो गया? मेरे पास था तुम्हारे वैक्यूम क्लीनर। अच्छा तुम्हारे पास था, मैं तो सारी जगह ढूंढी थी, मेरा वैक्यूम क्लीनर कहाँ गया? पीयू मेरे पास एक आइडिया था। क्या? हम मेल बाट के खेले। हाँ डोरा, मतलब अकेले अकेले खेल के ना बोर हो गई थी, अब दोनों एक साथ मिलके खेलेंगे। ठीक है। तभी मैं सोचूं कि सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया जो इतने मिल बाट के खेल रही हो। देखा फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मिल बाट के खेलने में ही मजा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉय स्टार चैनल को सब्सक्राइब।